सो गाइज, अगर आप फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ फ्यूचर लोडेड इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं, तो आप सबों के लिए प्रेजेंट है एमजी की ZS EV, वो भी इसका 100 ईयर लिमिटेड एडिशन, जो कि आप एवरग्रीन कलर में आप हमारे सामने देख सकते हो। ये आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो आज हम इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल्ड ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी का जो बैटरी है उसमें आपको कितने ईयर का आपको वारंटी देखने को मिल जाएगा, इसे चार्ज करने में आपको कितना समय लगने वाला है, और साथ साथ ये गाड़ी आपको रेंज कितना का देती है, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिस वजह से जो फ्रंट का ग्रिल है वो आपको टोटली कवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए, और साथ साथ बीचों बीच आप यहाँ पे देखोगे जहाँ की आपको एमजी का लोगो भी मिल जाएगा, टोटली आपको क्रोम के साथ दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री के आपको कैमरे के भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो प्लेट देख रहे हो इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक के लिए आपको चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है, और जो बैटरी का लेवल कितना ज्यादा चार्ज होगा वो भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाने वाला है। नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका स्कीट प्लेट देखोगे, जहाँ की आपको टोटली क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। बीचों बीच आपको यहाँ पे कुछ जगह दिया गया है, और गाड़ी को टो करने के लिए इस जगह पे आपको माउंट देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे DRL लाइट देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी दिया गया है, और अंदर में देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको LED में आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाएगा। लो बीम और आपका हाई बीम यही काम करने वाली है, आपको अच्छे डिजाइन में आपको लाइट दिया गया है। साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पे आप इसका टायर देख सकते हो, जो कि आपको 17 इंचेस का आपको यहाँ पे व्हील देखने को मिलेंगे। डुअल टोन कलर का यूज किया गया है। टायर का आप साइज देखोगे जो कि आपको 215/55 R17, जो कि आपको सीएट कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे टायर दे दिया गया है। ऊपर की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक का बेजिंग मिल जाएगा, जो कि आपको टोटली रबर फिनिश के साथ दिया गया है। ORBM का सेक्शन आप यहां से देख सकते हो, जहां कि आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। नीचे में देखोगे तो यहां पे भी आपको कैमरे को प्लेस किए गए हैं। डोर हैंडल की ओर आओगे जो कि आपको टोटली क्रोम के साथ देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको यहां पे रिक्वेस्ट सेंसर के ऑप्शन दिए गए हैं। पीछे वाला देखोगे ये भी आपको टोटली क्रोम के साथ ही देखने को मिलेगा। रूफ रेल्स की ओर आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको टोटली मैट ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, और ऊपर में आपको यहाँ पे सनरूफ का आपको प्लेसमेंट किया गया है। टोटली आप रियर सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका रियर का टेल लाइट देख सकते हो, ये भी आपको फुल्ली LED में ही दिए गए। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, रिवर्स लैम्प के ऑप्शन दिए गए। इस जगह पे आओगे जहाँ कि आपको रिफ्लेक्टर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और इसके चारों ओर देखोगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर के यूज किए गए। नीचे वाला आप यहाँ पे बंपर देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको टोटली क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे। पीछे में आपको टो करने के लिए इस जगह पे आपको जगह दिया गया, और रियर में आपको 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बीचों बीच आप यहाँ पे देखोगे जहाँ कि आपको कैमरे के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको ZS EV को मेंशन किया गया है, और इस जगह पे आपको बीचों बीच आपको MG का लोगो मिल जाएगा, ये भी आपको क्रोम के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ कि आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको वाइपर के कंट्रोल दिए गए। ऊपर में आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, ये आपको स्पॉइलर का पॉइंट, और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है। अब मैं गाइस इस गाड़ी का आपको बूट स्पेस को चेकआउट कराऊं, इसे आप अंदर की ओर प्रेस करोगे तो इसका जो बूट है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका बूट स्पेस देखोगे तो क्योंकि आपको 448 लीटर के देखने को मिलेंगे, आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, और जो स्पेयर व्हील है जो की जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। और अभी गाइस देख सकते हो जो किसके मैं रियर सीट पे आ चुका हूँ, जो कि आपको टोटली लेदरेट सीट देखने को मिल जाएगा। तीन आदमी जो पीछे बैठोगे उसके लिए अलग अलग यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है। बीचों बीच आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ कि आपको आमरेस दिया गया, और साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको 2 कप होल्डर दिए गए। ऊपर में आपको यहाँ पे कवर भी देखने को मिल जाएगा। हेडरेस्ट देख सकते हो जो कि आपको तीनों ही एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है। और सीट पे देखोगे हर जगह तो आपको यहाँ पे रेड कलर का स्टिचिंग भी देखने को मिल जाएंगे। इधर आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको रियर के लिए AC वेंट्स भी दिया गया है, यहाँ पे भी आपको क्रोम के यूज मिल जाएंगे। इस जगह पे आपको 2 Type-C चार्जिंग स्लॉट दिए गए। मोबाइल रखने के लिए तो आपको कहीं भी जगह नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आप हम्प देखोगे जो कि आपको हम्प दिया ही नहीं गया है, बहुत ही आपको कम हम्प देखने को मिलते हैं, जिससे जो बीच वाला भी आदमी बैठेगा उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको मैगजीन रखने के लिए आपको यहाँ पे पॉकेट मिल जाएगा, और इस जगह पे आपको ग्रैब हैंडल के भी ऑप्शन दिए गए हैं। और गाइज मैं अब इसके ड्राइवर सीट पे चलूँ तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप इसका डोर ट्रिम देखोगे, जो कि आपको हल्के से यहाँ पे ग्रे कलर के टच देखने को मिलेंगे। ये जो पार्ट मिलता है जो कि आपको टोटली सॉफ्ट टच में मिलेगा, हल्के से आपको फेक कार्बन के यूज देखने को मिलेंगे, ये भी पार्ट आपको टोटली सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, और इधर आपको जो पावर विंडो का कंट्रोल है वो आपको दिया गया है, इसे आप यहाँ से लॉक भी कर पाओगे। और ये आप देख सकते हो जो कि डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। इनसाइड डोर हैंडल भी आपको क्रोम के साथ मिलेंगे। इस जगह पे आपको बोतल होल्डर दिए गए, और यहाँ पे
आपको स्पीकर दिया गया है। इसमें आपको चार स्पीकर, आपको दो ट्विटर के ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपको इन्फिनिटी कंपनी की तरफ से दिया गया है। सीट की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका सीट देखोगे जो कि आपको टोटली लेदर रेट सीट मिल जाता है और आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी आप इसे कर पाओगे, आगे पीछे कर सकते हो। रिक्लाइन और इनक्लाइन करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है और साइड वॉल देखोगे जो कि आपको टोटली मोटे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको रेड कलर का स्टिचिंग देखने को मिल जाते हैं। इधर आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको एयरबैग का बेजिंग किया गया है। इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग के ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे आप राइट साइड देखोगे जो कि मिरर है ORBM, उसे आप यहाँ से राइट और लेफ्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर पाओगे और जो हेडलाइट का लेवलर है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे और इस जगह पे आपको हुड को ओपन करने के लिए जगह दिया गया है। और इंटीरियर में गाइस सबसे पहले आप इसका स्टेयरिंग देखोगे जो कि आपको टोटली लेदर है स्टेयरिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटली क्रोम के यूज देखने को मिलेंगे और बीचों बीच आपको यहाँ पे MG का प्रीमियम सा लोगो मिल जाता है। इधर देखोगे जो कि आपको MID का जो भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ की आपको वॉइस कमांड के ऑप्शन दिए गए हैं और इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो कंट्रोल है वो आपको इस जगह पे देखने को मिलता है। इधर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए और नीचे में आप यहाँ पे देखोगे जहाँ की आपको क्रूज कंट्रोल के जो भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ से आप इसका MID देख सकते हो जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में MID देखने को मिलेंगे। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, टेम्परेचर क्या है वो आपको दिखाने वाला, सीट बेल्ट का वार्निंग मिल जाएगा और साथ साथ इधर आप देखोगे जो कि आपको रेंज क्या है जो कि आपको 227 किलोमीटर चलने वाला है वो आपको दिखाने वाला है। इधर आपका बैटरी कितना चार्ज है वो आपको हर एक कुछ यहाँ पे दिखाने वाला है। ये आप देख सकते हो जो कि आपको टेम्परेचर क्या है इनसाइड और आउटसाइड का वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसे जब आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको दिखाने वाला है मोटर का जो स्पीड है वो आपको मिल जाएगा। इधर आपको वोल्टेज कितना दे रही है बैटरी वो आपको बताने वाली है, करंट जो भी है वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। नीचे में आप देख सकते हो जहाँ की आपको एक्युमुलेटेड टोटल जो है वो आपको शो करने वाला है कि कितने समय से आप गाड़ी चला रहे हो, कितना किलोमीटर चलाए हो और यहाँ पे आप टाइमर भी अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। और इसमें आपको बैटरी कितना ज्यादा डाउन हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रेंज जो भी है वो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसे आप सेट और रिसेट भी अपने हिसाब से कर पाओगे। इधर देखोगे जहाँ की आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है जो कि आपको बैटरी का परसेंटेज क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो करने वाला है। और ये आप देख सकते हो जो कि आपको ब्राइटनेस का जो भी लेवल है उसे आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर पाओगे, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 मोड देखने को मिल जाएंगे। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे MID में फीचर्स देखने को मिल जाता है। फीचर लोडेड से आपको यहाँ पे MID दिया गया है। इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हो जो कि आपको अच्छे साइज के देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक जो AC दिया गया है उसके लिए आपको यहाँ पे हर एक कुछ कंट्रोल मिल जाएगा, जैसे कि इसे आप ऑटो में डाल सकते हो, यहाँ से ऑफ भी कर पाओगे। इधर देख सकते हो जहाँ की आपको फ्रेश एयर मिलेगा वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। आउटसाइड का जो भी टेम्परेचर वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ब्लोअर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा यहाँ से आप सेट कर पाओगे। नीचे में देखोगे तो इधर आपको होम का बटन मिल जाएगा जहाँ की आपको एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले के आपको हर एक फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। बैटरी का क्या रेंज है, बैटरी कितना परसेंटेज चार्ज है वो मिल जाएगा, FM मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको क्लॉक डे टू हर एक कुछ दिखाने वाला है। और इधर आप देख सकते हो जहाँ की आपको होम पे बटन, यहाँ पे आपको EV मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यहाँ पे आपको रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग होल्डर, मीडिया, AC हर एक कुछ का आपको यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। जब आप इसे 360 डिग्री कैमरा पे ऑन करोगे तो आप देख सकते हैं जो क्लैरिटी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, हल्का सा क्लैरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। 2D और 3D में आप यहाँ से इसे व्यू भी कर पाओगे। सेटिंग देख सकते हो जहाँ की आपको स्टेटिक, डायनेमिक और बोथ का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। इस जगह पे आपको कुछ बटन दिए गए जो कि आपको अंदर से ही आपको प्लेस किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल बटन मिल जाएंगे। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो चार्जिंग के स्लॉट दिए गए जो कि आपको Type-C USB और साथ साथ इधर आप देखोगे जहाँ की आपको 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट भी प्लेस किया गया है। और इस जगह पे आपको वायरलेस चार्जिंग के पैड मिल जाएंगे। इधर आप देखोगे जहाँ की आपको मोड के बटन दिए गए, कर्स दिए गए और यहाँ पे बैटरी जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, आपका पार्किंग मोड में रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और आपका ड्राइव मोड दिया गया है। इसके चार ओर देखोगे यहाँ पे व्हाइट कलर के यूज किए गए और यहाँ पे भी आपको टोटली पियानो ब्लैक कलर के यूज देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो जहाँ की आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा जो कि आपको ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ भी दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ की आपको 2 कप होल्डर दिए गए और साथ साथ ऊपर में आपको यहाँ पे शटर भी दिया गया है कि आप यहाँ से देख सकते हो बूट को ओपन करने के, लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको रेड कलर के इंसर्ट मिलेंगे और साथ साथ आपको यहाँ पे क्रोम का भी यूज किया गया है। ये पार्ट देखोगे जो कि आपको आर्मरेस्ट टोटली आपको सॉफ्ट टच में मिलेंगे और इसके अंदर आप यहाँ पे स्पेस देख सकते हो जो कि आपको डिसेंट सा स्पेस दिया गया है। इधर आओगे जहाँ की आपको ग्लव बॉक्स मिलेंगे, नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स दिया गया, डिसेंट सा स्पेस मिल जाएगा। ये पार्ट भी आपको टोटली फेक कार्बन के यूज यहाँ पे दिए गए और ये भी आपको टोटली सॉफ्ट टच में मिलेंगे। डैशबोर्ड का ये पार्ट भी आपको टोटली सॉफ्ट टच दिया गया, यहाँ पे आपको हजार लाइट के पॉइंट मिल जाएंगे और ये आपको AC वैन दिया गया और इसके चारों ओर भी यहाँ पे आपको क्रोम के यूज देखने को मिलते हैं। ऊपर में देखोगे ऑटोमेटिक IRBM के यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे और साथ साथ आपको यहाँ पे USB चार्जिंग स्लॉट भी दिए गए। जब भी आप डैश कैम लगाओगे उसे चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे स्लॉट मिल जाएगा।
इस जगह पे जो पैसेंजर का एयरबैग है उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो लाइट के कंट्रोल है वो आपको हर एक कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फुल्ली एलईडी में ही आपको यहाँ पे लाइट दिया गया है, यहाँ पे आपको माइक के ऑप्शन मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दिया गया है और यहाँ पे ऊपर में टिकट होल्डर दिए गए हैं। इस साइड देखोगे तो यहाँ पे भी आपको लाइट के कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ आपको यहाँ पे मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ से आप इसका पेनारोमिक सनरूफ देख सकते हो, जो कि आपको डुअल पेनारोमिक सनरूफ दिया गया है, टोटली आपका पीछे तक खुलता है, जिससे यहाँ से दो तीन आदमी तो आराम से निकल पाओगे। सो गाइज, इस गाड़ी का जो इंटीरियर था, इसमें जो जो फीचर्स दिए गए थे वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इसका इंजन है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो इंजन मिलता है, जो कि आपको 50.3 किलोवाट आवर का इसमें आपको बैटरी दिया गया है, जो कि आपको 461 किलोमीटर का आपको कंपनी रेंज क्लेम करती है। साथ साथ इसे जो चार्ज करने में जो समय लगता है, अगर आप इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे तो आपको लगभग 9 घंटे का समय लग जाएगा, और जब इसे आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज करोगे तो आपको मात्र 4 घंटे ही टाइम लगने वाले हैं। और जो कंपनी की तरफ से इसका जो वारंटी मिलता है, जो कि आपको 8 साल का वारंटी दिया गया है इसके बैटरी में। अगर आपको बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई भी सेल खराब होता है, तो आपको जो कंपनी उसे रिप्लेस करके आपको देने वाली है। और इस गाड़ी का जो रेंज है, जो कि आपको कंपनी 461 किलोमीटर आपको रेंज क्लेम करती है, बट जो रियल में देखा जाए तो लगभग आपको 400 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। जब इसे आप एक बार फुल चार्ज करोगे तो लगभग आपको 400 किलोमीटर चल जाने वाला है, अगर आप इसे अच्छे से राइड करते हो तो। और साथ साथ इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेंगे, मात्र आपको 60 पैसे पर किलोमीटर, मतलब कि 1 रुपया से भी आपको कम पड़ने वाला है। जब इस गाड़ी को आप 1 किलोमीटर तक चलाओगे तो आपको रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम आपको पड़ने वाला है, जो कि अगर आप डीजल इंजन चाहे पेट्रोल इंजन से कंपेयर करोगे तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है। साथ साथ इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा कम पड़ेंगे, और रनिंग कॉस्ट भी इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा कम पड़ने वाला है। वही एडवांटेज है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ऑफकोर्स आप अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप इस गाड़ी की ओर जा सकते हैं, और एक बार जरूर आप देख के इसका टेस्ट राइड को ले सकते हैं। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइज, अब मैं इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ। इसका जो सबसे बेस मॉडल आता है उसका प्राइस आपको 18,98,000 रुपीज रखा गया, और जो सबसे टॉप मॉडल का प्राइस है, जो कि आपको 25,19,800 रुपीज एक शोरूम प्राइस रखा गया है। वैसे आप इस गाड़ी का जो भी डिटेल है और भी इसके कॉन्टैक्ट नंबर से आप ले सकते हैं, जो कि शोरूम का डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैंने गाइज इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रिव्यू में, वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता तब को सब कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ साथ आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।